फोरा कॉर्ड रोटा कैप्स 200 के बारे में आप इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। बेसिकली एक रोटा कैप्स है, यानी अस्थमेटिक पेशेंटों में इसका यूज़ किया जाता है। सो आज के इस वीडियो में डिटेल्स के बारे में देखते हैं कि क्या होता है यूज़ फोरा कॉर्ड्स का, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, किन किन कंडीशन में बेसिकली इसका यूज़ किया जा सकता है। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। जो फोरा कॉर्ड आता है बेसिकली सिप्ला फार्मा की तरफ से देखने को मिल जाता है, एक एथिकल आ जाता है। इसमें आपको डब्बी मिल जाती है जिसमें आपको 30 कैप्सूल देखने को मिल जाते हैं इस तरीके से। अब मैं खोल कर नहीं दिखाऊंगा, अगर खोल के दिखा दिया तो आगे सेल नहीं होगा। और इसका प्राइस रेंज आता है लगभग 187 रुपये का ये हो गया है। और काफ़ी अच्छी यूजेज हैं इसके। बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है COPD के लिए, जो पुराने पेशेंट होते हैं जिनको अस्थमेटिक अटैक आते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स में देखते हैं। इसमें आप दो इंग्रेडिएंट देखने को मिलता है जिसमें आपको मिल जाता है फॉर्मेटेरॉल फ्यूमरेट, जिसमें आपको मिल जाता है 6 mcg में, जो बेसिकली क्या है, एक बीटा एगोनिस्टिक दवाई के श्रेणी में देखने को मिल जाता है। यानी COPD यानी जो अस्थमेटिक अटैक को कम करने में इसका यूज़ किया जा सकता है। यानी ये वाई मार्क, जब हमारा कोई भी हो, आप हो, हम हो, या कोई अस्थमेटिक वाले हैं, उनको अस्थमा अटैक इसलिए आता है कि उनकी सांस नली जो होती है किसी वजह से ब्लॉक हो गई या सूज गई है या किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया उसमें, तो क्या होता है कि वो ब्लॉकेज आ जाती है जिससे सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या करता है, जो आपका फॉर्मेटेरॉल होता है वो काम करता है उन नसों को खोलने में या उन नलियों को खोलने में, चौड़ा कर देता है जिससे मरीज को आसानी से सांस आना जाना शुरू हो जाता है। दूसरा इसमें आ जाता है बुडिनोसोनाइड। बेसिकली बुडिनोसोनाइड क्या होता है, एक एस्टेरॉयड होता है। अब इसमें क्या काम करता है इसका, ये इन्फ्लोमेशन के लिए होता है। जैसे कि लंग्स में इन्फ्लोमेशन आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को अटैक आ जाता है। अब जब लंग्स सूजन आ जाएगी तो सांस कैसे आएगी, पंपिंग तो कर नहीं पाएगा लंग्स, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को सांस फूलने में दिक्कत आ जाती है, तो उन स्वेलिंग को या उन ब्लॉकेज कर देता है जिससे अटैक आने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो होता है इसमें एक एस्टेरॉयड होता है। तो वैसे तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स के माध्यम से समझ गए होंगे कि क्या यूज़ होता है, लेकिन फिर भी सामान्य से बस हम समझाते हैं। ये एक इनहेलर कैप्सूल आते हैं, ये पूरा पंप नहीं आता है। आपको इसके लिए क्या होता है, एक लेना पड़ेगा रेबुलाइजर जिसको कहते हैं, जो ऐसे देखा होगा आपने, कई पेशेंट जो होते हैं लेते हैं। एक तो नॉर्मल सा पंप हो गया इनहेलर जिसको फर्स्ट पंप निकालते हैं, एक होता है रेबुलाइजर जैसे इस प्रकार से देख रहे हो, इसके अंदर जो होता है इसको डाला जाता है। अब बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है खांसी के लिए, सांस रोगों, पुरानी COPD की प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। लंग्स में सूजन आ रही है या ज़्यादा चलने फिरते लोग, उनको सांस फूल जाती है, सांस का दिक्कत है, तो उन कंडीशनों में जो होता है रोटा कैप्स का जो होता है वो यूज़ किया जा सकता है। साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इसके, जैसे चक्कर आना, उल्टी आना, बेचैनी होना, या कई बार कंपन होने शुरू हो जाते हैं। अब क्यों होता है, जिन लोगों के कई बार होते हैं ना, मुँह में छाले पड़ जाते हैं या मुँह में इन्फेक्शन हो रहा है, तो उनको एकदम से अटैक आ जाता है उस चीज़ में, पड़ता है पंप, उसमें प्रेस होता है जिससे उनको चक्कर आने हो सकते हैं, कंपन आना शुरू हो जाता है, मिलतली पेट दर्द वगैरह की शिकायतें देखने को मिल जाती है। डोजेज क्या होता है, डेली आपको एक टाइम पे इसको लेना चाहिए, एक कैप्सूल लिया जाता है। वैसे तो डोज के हिसाब से दो भी लिए जाते हैं कई सारे लोगों को, लेकिन जब डोज कंडीशन के हिसाब से होता है, अगर किसी का क्रिटिकल कंडीशन है उसको डोज होती है वो बढ़ाई जाती है। लेने का तरीका, रेबुलाइजर में इस कैप्सूल को डाला जाता है नॉर्मल सा, और सावधानी रखनी आपने, कभी भी रेगुलाइजर जो होता है गीला यूज नहीं करना चाहिए, एंड साथ साथ नमी वाली चीज़ से इसको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि कैप्सूल वगैरह दवाई जो होता है वो ख़राब हो सकता है, एंड 6 महीने के बाद रेगुलाइजर जो होता है उसको चेंज करना चाहिए।